हे दोस्तों नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों SSC CGL ने काफ़ी बड़ा नोटिस निकाला है, उसमें उन्होंने जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कब आएगा और भी बहुत सारा डेटा के कितने क्या फॉर्म डले थे, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए SSC CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ईयर फर्स्ट का, वो 4 जून से 13 जून के बीच में 7 दिन चला था। इसमें यदि हम डेटा के बारे में बात करें दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ इसके लिए 25.97 लाख, लगभग 26 लाख के आसपास स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, यानी फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जामिनेशन में 8.37, लगभग 7.25 लाख, 7.25 लाख के आसपास स्टूडेंटों ने पेपर दिया। और यदि परसेंटेज निकाले 32.23% लोगों ने मात्र दोस्तों पेपर दिया है, बहुत कम परसेंटेज लोगों ने पेपर दिया। यदि शिफ्टों की बात करें तो सिर्फ 21 शिफ्ट में दोस्तों ये पेपर हुआ है। यदि वेन्यूज़ के बारे में बात करें तो 362 वेन्यूज़ में ये पेपर हुआ है, और नंबर ऑफ सिटी 131 सिटी में, यानी कि 131 सिटी में पेपर हुआ है। और यदि स्टेट और यूटी के बारे में बात करें, कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 33 स्टेट या यूटी में एग्जाम हुआ है। दोस्तों इसका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो दोस्तों 20 सितंबर को आने की संभावना है, 20 सितंबर को आएगा रिजल्ट, आ सकता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 6 जून को जो पेपर हुआ था कुछ शिफ्ट का, वो पेपर री एग्जाम कराया जाएगा, वो 19 जून को कराया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा SSC CGL का, कितने क्या स्टूडेंट, क्या कंपटीशन का लेवल रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।